फ्रेंड्स, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है और उस टाइम में जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हो तो वो एक बार में पूरा प्ले नहीं होता, वीडियो में बफरिंग होने लग जाती है और वो रुक रुक कर चलने लग जाता है। लेकिन जब उन्हीं वीडियोस के शुरू होने के पहले जो एड्स आते हैं उनमें बफरिंग नहीं होती और वो पूरा एक बार में चल जाता है बिना किसी रुकावट के, और जो वीडियोस के बीच में भी जो एड्स आते हैं वो भी पूरा चलता है बिना बफर किए, लेकिन वीडियो नहीं चलती। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो वो एड और वीडियो दोनों के लिए होना चाहिए, तो क्या रीज़न होता है इसके पीछे? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि ऐसा क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से एड्स में बफरिंग नहीं होती है लेकिन वीडियो में होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। फ्रेंड्स, जब आप किसी वीडियो को ऑनलाइन प्ले करते हो यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो सबसे पहले एड्स आती है जो तुरंत से प्ले हो जाती है, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू होती है उसमें बफरिंग होने लग जाती है और वीडियो रुक रुक कर चलने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐड को अच्छे से प्ले होने देते हैं और वीडियो पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि ऐड से ही यूट्यूब या फिर किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म की इनकम जनरेट होती है, उसी से उनकी कमाई होती है, वो एड्स दिखाकर ही कमाते हैं, और अगर वो एड्स नहीं दिखाएंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी, इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एड्स को ही चलाना चाहते हैं और वीडियो को नहीं, उनके लिए कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान कंटेंट देखने के लिए ही वीडियो प्ले करता है। तो अगर ऐसे में कंटेंट प्ले नहीं होगा तो कोई क्यों खोलेगा वीडियो को, और जब कोई वीडियो प्ले नहीं करेगा तो वो एड्स किसको दिखाएंगे? क्योंकि एड्स तभी प्ले होते हैं जब कंटेंट प्ले हो रहा होता है, और लोग एड्स को इसलिए देखते हैं क्योंकि एड के बाद उनका कंटेंट खुलेगा जिसके लिए उन्होंने वीडियो प्ले किया होता है। तो यहाँ पर कोई भी सिर्फ एड्स को देखने के लिए नहीं आता, तो यहाँ पर यूट्यूब या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म सिर्फ एड्स पर ध्यान नहीं देती, वो एड्स और वीडियो दोनों पर ही फोकस करती है, उनके लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो एड्स होती है उसकी लेंथ नॉर्मली 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड की होती है, लेकिन जो यहाँ पर वीडियोस होती है वो नॉर्मली 3-4 मिनट की मिनिमम तो होती ही है, और उससे भी लंबी होती है वीडियोस। तो यहाँ पर जब वीडियो प्ले होता है तो ऐड जल्दी लोड हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो वो ईजिली लोड हो जाता है। जैसे जब ऑनलाइन वीडियो प्ले हो रहा होता है तो उसके साथ ही उसके आगे का कुछ सेकंड्स का वीडियो लोड हो रहा होता है। जैसे आप जब वीडियो देखते हो तो एक रेड लाइन होती है जो चल रही होती है, जिससे ये पता लगता है कि आपने कहाँ तक का वीडियो देख लिया है। उसके जस्ट आगे एक वाइट लाइन भी होती है जो ये बताती है कि कितना सा पोर्शन लोड हो चुका है वीडियो का। तो यहाँ जहाँ तक ये वाइट लाइन होती है वीडियो के, वहाँ तक का पोर्शन ऑलरेडी लोड हो चुका होता है। तो ऐसे में अगर आपका नेट ना भी चले तो भी आप उतना सा हिस्सा देख पाओगे जो लोड हो चुका है। तो जब एक वीडियो लोड होता है एक साथ तो जनरली 30 सेकेंड या एक मिनट का लोड हो जाता है, तो जो यहाँ पर ऐड होता है वो 15 सेकेंड का होगा या 20 या 30 सेकेंड का, तो वो एक बार में पूरा लोड हो जाता है। तो वो जब प्ले होता है तो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो एक बार में पूरा लोड हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर वीडियोस पहले कुछ सेकंड्स लोड होते हैं, फिर कुछ और सेकंड्स, मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आगे आगे लोड होते जा रहा होता है। तो ऐसे में जब गैप रहता है लोड होने के तो वीडियो में बफरिंग होने लग जाती है और वीडियो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक छोटा सा हिस्सा होता है वो ऐड से बड़ा हो सकता है तो उसमें लोड होने में टाइम लगता है, लेकिन ऐड नहीं रुकता क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है, तो वो एक बार में अगर पूरा लोड हो जाता है तो वो पूरा चलता है। लेकिन वीडियो पूरा एक बार में लोड नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके लोड हो रहा होता है, इसीलिए वो रुक रुक कर चलता है। तो फ्रेंड्स, फॉल्ट यहाँ पर आपके इंटरनेट का है, क्योंकि इंटरनेट स्लो होने की वजह से ही ऐड और वीडियो दोनों के स्पीड में फ़र्क हो जाता है और वीडियो रुक रुक कर चलती है, उसमें बफरिंग होती है। तो फॉल्ट यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की है, किसी वीडियो प्लेटफॉर्म की नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई और वीडियो प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।